मैं हमने फोकस किया था कि सोशल साइंसेज जो है वो इल्म का एक ऐसा मिनहाज पैदा कर रही हैं जिसके पैदा हो जाने के बाद मजहबी उलूम की रिप्लेसमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव रिप्लेसमेंट मुमकिन हो जाएगी, समझे? ये हम बताना चाह रहे थे, हम ये बताना चाह रहे थे कि सोशल साइंसेज जब मैच्योर हो जाएंगी मुस्लिम माशरों के अंदर, तो फिर जो बुनियादी इल्मी सवालात हैं उनके जवाब के लिए उलमा की फिर कोई जरूरत रहेगी नहीं। उलमा की जरूरत सिर्फ ये इबादात वगैरह के अंदर होगी, वो इल्म का दायरा नहीं है, वो रिचुअल्स का दायरा है, उसको इल्मियत का दायरा नहीं है, बल्कि वो इबादात वगैरह का दायरा है, उसके अंदर वो रहेंगे जिस तरह एक चर्च के अंदर आप जाकर कुछ देर के लिए कर लेते हैं। इसीलिए सोशल साइंसेस की इस्लामकारी जो है वो एक सीरियस इशू है, इसलिए इसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाने की कोशिश है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो लेवल है, वो बहुत उसकी हाई फ्रीक्वेंसी है, वो आपको बार बार सुनना पड़ेगा और आपको उसके कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क भी डेवलप करने पड़ेंगे। अगर ये पूरी बात आपकी समझ में आ जाएगी तो बहुत सारे ऐसे सवाल जो बाद में लोगों ने किए वो शायद वो नहीं करते। इसका मतलब ये बहुत सारी चीज़ें लोगों की समझ में नहीं आई हैं, ठीक है? लेकिन ये किसी भी ख्याल को ये हमने बयान इसलिए कर दिया कि वो महफूज हो गया रिकॉर्डिंग में, जिसको सुनना है सुन लो, उसमें जो एतराज आते हैं वो भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो असल है वो ये है कि जब भी आप सोशल साइंसेज को पढ़ेंगे, फर्ज किया सोशियोलॉजी को पढ़ें, पॉलिटिकल साइंस को पढ़ें, इकोनॉमिक्स को पढ़ें एक खुले जहन के साथ, और फिर आप किसी मजहब को पढ़ें, तो आपको ये लगेगा कि मजहब ने इस मामले पे बड़ी मुख्तसर सी बहस की है और इन्होंने कितनी तफसील से बहस की है। सही है? ये एहसास हर बंदे को होगा, तो उसके उसको पहला एहसास ही होगा कि यार ये मजहब के लोग जो है ना, इनके पास इल्म शायद है नहीं। जो पहला ख्याल वो लेके उठेगा, अगर उसकी उम्र कम है और असबियत ज्यादा है, तो कहेगा यार ये हमारे मजहब में इन सवालात का काफी और शाफी जवाब है नहीं। ये एहसास वो लेके उठता है। सही है? तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सोशल साइंटिफिक मेथडोलॉजी जो है वो नॉलेज ऑफ पार्ट्स है। जुज का इल्म होता है वो, यानी के जिंदगी के को, इंसान की जिंदगी को हजारों हिस्सों में पहले बांट दिया जाता है, ठीक है? हजारों हिस्सों में आप पहले जिंदगी को बांट देते हैं, फिर हर हिस्से के ऊपर तफसील से आप बात करते हैं। लेकिन जब आप पार्ट्स के इल्म की बात करते हैं तो इसका जो टोटैलिटी होती है, जो उसकी कुल्लियत होती है, ये आपको कौन मुंतकिल करता है? जैसे मैंने आपको बताया कि फर्ज किया एक आदमी बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट है, जबरदस्त किस्म का इकोनॉमिस्ट, तो उसके जो इकोनॉमिक्स का जो इल्म है, या इकोनॉमिक्स में भी बहुत सारी फील्ड है, आपको पता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक्सपर्ट है, या मैक्रो में है, या इकोनोमेट्रिक्स में है, किस चीज में है, वो एक स्पेशलाइज नॉलेज रखता है, तो क्या वो ये बता सकता है कि इंसान के नफ्सियाती मसाइल का हल क्या है? आप चले जाए इकोनोमेट्रिक्स के पास और उसके बाद भाई मेरे नफ्सियाती मसाइल का कोई हल बता दें, तो बताएगा उसको हल? वो कहेगा भाई देखो ये मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो स्पेशलाइज नॉलेज है मेरी, मुझे बिल्कुल नहीं पता नफ्सियात, मुझे तो ये नहीं पता नफ्स होता क्या। सही है ना? यही जवाब देगा ना वो। ये उसकी उसकी स्पेशलाइजेशन का अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंस है, तितम्मा है उसका। और चूंकि वो एक अच्छा इंसान है, वो तुम्हें गलत धोखा नहीं देना चाहता, और उसने तुम्हें ऑनेस्टली बताया कि भाई इसके लिए तुम चले जाओ साइकोलॉजिस्ट के पास, है ना, साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाओ।
और लेकिन जब तुम साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे थे तो उस वक्त तक जाते जाते तुम्हें ये भी एहसास हुआ कि यार मैंने जो मेरे पास थोड़ा पैसा पड़ा है उसको मैं कैसे इन्वेस्ट करूँ। हाँ, तुमने कहा चलो फिर मैं वहाँ जा रहा हूँ उनसे पूछ लूँगा, उनसे अपने किसी जहनी जो खलफशार थे उसके बारे में आपने दरियाफ़ करने के बाद उन्होंने बताया। उनका चले आप लगे हाथों तो यही बता दें ये जो मेरे पास पैसे हैं इसको मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ। कहेगा ये तो मुझे नहीं पता, इसके लिए तुम उसके पास चले जाओ। तो बुनियादी तौर पर जो कुल का इल्म है वो आपको कभी नहीं देता, जुज का इल्म आपको देता है। तो जब आप हर जुज के पास जाते रहते हैं तो इज्तिमाई कुल का तसव्वुर आपके अंदर पैदा करने की जिम्मेदारी बुनियादी तौर पर होती है एज अ होल सिस्टम के ऊपर, एज अ होल सिस्टम के ऊपर। और सिस्टम जो होता है उसके ना जज्बे होते हैं ना एहसासात होते हैं, और इन तमाम पार्ट्स को जो चीज जोड़ती है उसको मुख्तलिफ निजामों के अंदर मुख्तलिफ चीजें। फर्ज किया कि अगर एक सोशलिस्ट निजाम जिंदगी होगा तो उसमें कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ नॉलेज को सिंथेसाइज करने की जिम्मेदारी रियासत की होगी, और उस रियासत को हम कहते हैं टोटलिटेरियन रियासत। रियासत करेगी, बड़ी ताकतवर रियासत होगी, वो मुख्तलिफ जो पार्ट्स के अंदर इल्म बिखर गया है उस सबको सिंथेसाइज कर स्टेट पॉलिसीज की सूरत में जबरदस्ती इम्पोज कर देगी। लेकिन हो सकता है कि जिस प्रोपोर्शन के अंदर वो इम्पोज करे वो डिसप्रोपोर्शनेट हो जाए और पॉलिसी फेल हो जाए, तो वो टोटलिटेरियन स्टेट दूसरी पॉलिसी, तीसरी पॉलिसी, चौथी पॉलिसी, और उसके नतीजे में बहुत सारे नुकसानात लोगों को होते हैं। पता चला एक ऐसी पॉलिसी बनाई जिसके नतीजे में इंसान के माशी मामला तो बेहतर हो गए, सोशल हालात बेहतर हो गए, कल्चर, लेकिन नफ्सियाती तौर पर सब तबाह हो गए। क्यों? क्योंकि स्टेट ने एक ओवरऑल सिंथेसाइज कर एक पॉलिसी दी, एक ऐसा इल्म जो बिखर गया था बहुत सारी ब्रांचेज में उनसे लेकर एक ओवरऑल हल लेकर उसको पॉलिसी बनाकर माशरे पे इम्पोज कर दिया। उस इम्पोजिशन के अंदर बहुत सारी चीजों में मसाइल हल हो गए, लेकिन बहुत सारी जगहों पर कमी रह गई, कजी रह गई, जिसकी वजह से लोगों को नुकसान पहुंच गया। तो टोटलिटेरियन फॉर्म ऑफ स्टेट ये कर सकती है। दूसरा ये है कि इस डिस्पर्स फॉर्म ऑफ नॉलेज को सिंथेसाइज करने की जिम्मेदारी दे दी जाए मार्केट को, कि भाई आप मार्केट इसको सिंथेसाइज करेगी कि किस इल्म की कितने लोगों को जरूरत है और उसकी तरवीज का निजाम किस बुनियाद पर होगा, कि कितना आपकी जेब में पैसा है, उसकी बुनियाद पे आपके मसाइल हल होते चले जाएंगे। और इसके सिंथेसिस की जिम्मेदारी जिस सिस्टम के पास होगी वो रियासत नहीं बल्कि वो मार्केट होगी, और मार्केट के अंदर इफेक्टिव डिमांड कौन डिटरमिन करता है? इफेक्टिव डिमांड इज डिटरमिन्ड बाय द वन हु हैज कैपिटल। मार्केट के अंदर इफेक्टिव डिमांड कौन डिटरमिन करता है? जिसके पास पैसा होता है। जिसके पास पैसा नहीं होता वो उसकी बहुत सारी जिंदगी के दायरे अनअटेंडेड रह जाते। मसलन ये कि आप हायर पोइट्री, हाई प्रोफाइल जो है आर्ट पेंटिंग्स देखना चाहते हैं अपनी जमालियाती तस्कीन के लिए, तो वो आप चले जाएंगे, हर जगह अवेलेबल होगी, या उसके लिए आपको जाने के लिए एक खास किस्म के इकोनॉमिक स्ट्रेंथ आपको चाहिए होगी, अदरवाइज वो आपको अवेलेबल नहीं होगी। इसी तरह बहुत सारी चीजें आपको अवेलेबल नहीं। तीसरा तरीका ये है कि आप ये कहें कि ये कंपार्टमेंटलाइज नॉलेज तो अवेलेबल है, लेकिन इसको रियासत भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेगी कुछ पॉलिसीज के जरिए, और कुछ आप अपने मार्केट के जरिए इन तक पहुंचने की कोशिश करें। तो बुनियादी तौर पर ये जो पार्ट्स ऑफ नॉलेज का जो इल्म होगा वो आपको मिलेगा, लेकिन उसके नतीजे में उसके सिंथेसिस की कैपेसिटी ना आपके अंदर होगी ना इनके अंदर होगी, बल्कि एक ऐसा सिस्टम उसको सिंथेसाइज करके आपको कुल की सूरत में पेश कर रहा होगा जिसके ना जज्बे होंगे ना एहसासात होंगे, और वो इनह्यूमन होगा। रिलीजन जो होता है वो कुल का इल्म होता है। रिलीजन के अंदर इस तरह से हकीकत को पार्ट्स के अंदर ब्रेक नहीं किया जाता, उसके अंदर एक ही चीज जो होती है वो इल्मियत से भी जुड़ी हुई होती है, हकीकत से भी जुड़ी हुई होती है। इखलाकियात आप बता नहीं सकते कब इखलाकियात शुरू हो गई, कब इल्म शुरू हो गया, कब जो है माबातु तबियात शुरू, वो एक दूसरे के साथ मदगम होते हैं।
उनको अलग नहीं किया जा सकता। जब आप उनको अलग करने की कोशिश करते हैं तो उसके नतीजे में आप उसकी कुल्लियत को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये कोई मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा, ये एस्टैब्लिश्ड है कि एसेंस ऑफ अ थिंग डिस्ट्रॉय ड्यूरिंग एनालिसिस। सोशल साइंसेस की मेथोडोलॉजी जब आप मजहब के ऊपर अप्लाई करते हैं तो मजहब को आप क्या करते हैं, सोशल साइंसेस की तरह कंपार्टमेंटलाइज करना शुरू करते हैं। यानी कि आप कहते हैं अब हम सोशल साइंसेस के चश्मा लगाकर इस्लाम को देखेंगे। चलो रिलीजन के बजाय आपने इस्लाम को देखना शुरू कर दिया, तो अब आपने इस्लाम को मुख्तलिफ खानों में बांटना शुरू कर दिया। आपने उसकी सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, यू नो, उसके मुख्तलिफ खानों में बांट दिया। तो जब आपने उसको खानों में बांट दिया, उनके मुख्तलिफ जुजों के अंदर बांट दिया, तो उसके नतीजे में हर पार्ट का दूसरे पार्ट से क्या ताल्लुक होता है ये कौन बताएगा? है भाई, है नहीं? सोशल साइंस की मेथोडोलॉजी आपने रिलीजन पे लगा दी और रिलीजन को बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बांट दिया। स्टेट बताएगी कोई ना कोई, फिर आपको भी तो वही निजाम चाहिए होगा ना। वो है क्या निजाम? इस्लामी है भाई, निजाम तो इस्लामी नहीं है। तो फिर आप क्या करेंगे, आप उल्टे सीधे तिगड़म लगाएंगे। एक आपने आप करेंगे, पहले तो आपने देखें हमारे यहाँ कहता है जो जुज की खसूसियात होती है ना वो कुल की खसूसियात नहीं होती। कुल की खसूसियात अलग होती हैं और जुज की खसूसियात अलग होती हैं। मसलन एक इंसान अपने कुल में इंसान होता है, अगर फसिया इंसान के पार्ट्स अलग अलग कर दिए जाएं तो उससे वही तजर्बा आपको मिलेगा जो पूरे इंसान का मिल रहा है। फूल को जब आप देखते हैं तो फूल अपनी कुल्लियत के अंदर जो तजर्बा आपको देता है अपने जुज में वही तजर्बा देता है आपको। तो क्या वो फूल होता है? गुलाब अगर इस तरह से है और उसको आप अलग अलग कर दें, पत्तियों को अलग कर दें, कैलेक्स को अलग कर दें, क्रोला को अलग कर दें, एंड्रोशियम को अलग कर दें, तो इसको देखकर वही तजर्बा मिलेगा जो इसको तजर्बा मिलेगा? क्या ये आपको उसी तरह मुतासिर करेगा जैसे ये आपको मुतासिर कर रहा है? तो जब आप सोशल साइंटिफिक मेथोडोलॉजी अप्लाई करते हैं मजहब के ऊपर तो आप पहला काम ये करते हैं कि मजहब को पार्ट्स के अंदर बिखेर देते हैं। उसके नतीजे में मजहब की रूह निकल जाती है। मजहब तो रहता है, काफिर नहीं हो जाता आदमी, लेकिन उस अपनी रूह से खाली हो जाता है, रूह निकल जाती है उसकी। दूसरा मसला ये होता है कि जो तजर्बा आपको होता है वो मजहबी तजर्बा नहीं होता बल्कि वो सोशल साइंटिफिक एक्सपीरियंस होता है। मजहबी तजर्बा एक अलग चीज है, जैसे कहते हैं ना, नोइंग द पाथ